एक्चुअली. ओके, हियर वी आर इन दी जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू. रजत, थोड़ा बताओ यार यूनिवर्सिटी के बारे में, क्या है ये? फर्स्ट थिंग इज दिस इज नॉट इन द प्रॉपर जम्मू सिटी, इट्स इन राया भागला, विजयपुर सांबा डिस्ट्रिक्ट. और ये पहाड़ों के बीच में, पहाड़ों के बीच में है. 600 एकड़ की यूनिवर्सिटी है. अब इससे पहले 600 यूनिवर्सिटी का कैंपस पूरे इंडिया में, पूरे एशिया में एक ही है, वो है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी. अच्छा, वो उसके बाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जलंधर, और उसके बाद ये कैंपस है जो कि करीबन 600 एकड़ का है. और यहाँ पर इसकी खासियत यह है कि तो पहाड़ों के बीच में है, और दूसरी बड़ी चीज 600 एकड़ का मतलब ये सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, करीबन 4 किलोमीटर का रेडियस होगा कैंपस सारा इसी में, 4 किलोमीटर. और ये आपका मेन, अभी फिलहाल मेन, ये मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, अभी डिस्टेंस बिल्डिंग. अच्छा, लेटर ऑन. अच्छा, तो अभी सारा काम यहीं पर हो रहा है. इसके अलावा क्वार्टर्स हैं, प्रोफेसर क्वार्टर्स बने हैं. और सबसे बड़ी 600 एकड़ का मतलब कितना हुआ नॉर्मल टर्म्स में, अगर किसी को समझाएं टर्म्स में, एग्जैक्ट मैं भी नहीं बता पाऊंगा, 4 किलोमीटर के रेडियस में बता रहा हूँ उसके, 4 किलोमीटर का. हाँ, जो ये पहाड़ हमको दिखाई दे रहे हैं यहाँ से लेकर के, नहीं यहाँ से नहीं, ये दिस वन फ्रॉम दिस वे, इट्स अ, दिस अ डैम आल्सो. अच्छा, डैम भी, डैम भी बन रहा है. हाँ, 3 आर्टिफिशियल लेक्स है. हाँ, फुटबॉल ग्राउंड है. हाँ, उसके अलावा क्रिकेट ग्राउंड है. हाँ, उसके अलावा यहाँ से पूरे हॉस्टल्स यहाँ पर बनेंगे, प्रॉपर सेटअप. अभी कितने स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में? अभी अराउंड 2000 के आसपास होंगे. ठीक है, काफी. और ये एक्सपेंड करेगा? हाँ, एक्सपेंड करेगा. सबसे बड़ी खासियत है कि जम्मू यूनिवर्सिटी में काफी ऐसे कोर्सेज हैं जो यहाँ पर है जो वहाँ पर नहीं है. जैसे मास कॉम का डिपार्टमेंट जम्मू यूनिवर्सिटी में अभी तक नहीं था, यहाँ पर है. NSS, नेशनल सिक्योरिटी. और जम्मू यूनिवर्सिटी तो आपकी शहर के बीच, शहर के बीच बिल्कुल बिल्कुल जंगल में आकर के लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो रही है, बट फायदा इसका है कि खूबसूरत. अच्छा यार, जो जो कैंपस में रहते हैं वो तो बाहर नहीं जाएंगे ना कैंपस वाले, तो स्टूडेंट्स को, बच्चों को एक अलग से एक, जैसे हम लोग जो आ रहे हैं, ये लोग अभी ऊपर में, हम लोग बॉम्बे से आए, मैं दिल्ली से आऊँ, कि हमको तो खुला आसमान चाहिए, हवा चाहिए, साफ चाहिए ना, है ना. अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, कितनी अच्छी हवा मिल रही है करके, तो फिर ये है करके. और ये, और आपने बोला वो डैम किस तरफ को है, और ये क्या फ्लाई ओवर है सामने, वो क्या है? नो, दिस इज द रोड एज वेल. अच्छा, रोड. यहाँ से अलग अलग कैंपसेज, अलग अलग डिपार्टमेंट्स वहाँ बनेंगे. बरसात का टाइम है तो पहाड़ अभी नजर नहीं आ रहे हैं. हाँ, अभी नहीं आ रहे क्योंकि पेड़ काफी ज्यादा है. हाँ, तो और ऊपर से खासियत यह है कि यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट्स काफी ज्यादा है. अच्छा, वो बड़ी खासियत है क्योंकि EVS डिपार्टमेंट ने पूरी रिसर्च भी किया यहाँ पर. हाँ, और मेडिसिनल प्लांट्स करीबन से 30-40 के आसपास मेडिसिनल प्लांट्स है, अलग अलग तरीके, अलग अलग फ्लावर्स आप देख ही रहे हैं अलग अलग जगह पर. बहुत है, लगे हुए, खूब उपजाऊ जमीन है. हाँ, वो तो सारी ग्रीनरी करके है, करके तो पहाड़ी इलाका है, बट कंडी इलाका बोलते हैं इसको, कंडी इलाका जहाँ पानी कम होता है. तो यहाँ पानी कम, यहाँ पानी कम होता है, बारिश है, और ऊपर से क्योंकि ये हाइट थोड़ी वो है, हाइट पे थोड़ा, तो पानी कम होता है, निचले इलाकों में पानी ज्यादा होता है. लेकिन ग्रीनरी तो काफी है ना? ग्रीनरी यहाँ काफी, क्योंकि जंगल था पूरा का पूरा. अच्छा, तो अभी इसको शिफ्ट कर रहे हैं धीरे धीरे. हाँ, तो लगे हुए हमारे VC साहब भी. हाँ, कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी सी चीज एक बन जाए. हाँ, और ये बड़ी चीज मैंने भी सुनी, क्योंकि आर्किटेक्ट जो है वो जर्मनी आ गया, बड़ी बड़ी कंट्रीज से है. हाँ, तो उम्मीद है कि 600 एकड़ में जो एक चीज बनेगी, तो इंडिया की सबसे बेस्ट कैंपस ये वाला होगा. आगे आने लोग दुनिया भर से देखने आएंगे कि जम्मू में भी एक ऐसी चीज बन गई. चलो, अच्छी बात है, बिल्कुल. आई एम श्योर ये होगा.